झारखंड के देवघर स्थित सारवा प्रखंड के अंतर्गत गमहरिया और भुरखुंडा गांव के दो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने से जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। अब इन दोनों मरीजों को होम क्वारंटीन किया गया है। इन दोनों मरीजों को 20 और 24 अप्रैल को अस्पताल में आइसोलेट किया गया था। दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद रविवार को हॉस्पिटल से इन्हें पूरे सम्मान के साथ विदा किया। इस मौके पर देवघर की उपायुक्त नैन्सी सहाय समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। देवघर की उपायुक्त ने बताया कि देवघर में दो और कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं जिनका इलाज चल रहा है। जो हमारे पहले जो मरीज थे कोरोना के सारवा प्रखंड के थे, गमहरिया गांव और एक भुरखुंडा गांव, और उनको हम लोगों ने मालालिता यहाँ पे रखा था जब उनके रिपोर्ट की पुष्टि हुई थी। फिर हम लोगों ने दो बार और उनकी टेस्टिंग कराई, दोनों बार रिपोर्ट नेगेटिव आई। चेस्ट एक्सरे कराया और जैसे कि हेल्थ विभाग का प्रोटोकॉल है, आज हम लोगों ने उसे यहाँ से रिलीज कर दिया है। और अभी कुछ दिन हम लोगों ने कहा है कि वो होम क्वारंटाइन में एहतियात के तौर पे अपने घरों में अब रहेंगे। और हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि दोनों ही पूरी तरह से स्वस्थ होकर यहाँ से जा रहे हैं। मानविता हॉस्पिटल में हमारे जितने डॉक्टर्स हैं, यहाँ की टीम, यहाँ का प्रबंधन, हमारे सभी ऑफिसर्स, पुलिस कर्मी, सभी का बहुत बहुत आभार कि आज दो लोग यहाँ से रिलीज होकर स्वस्थ, पूरी तरह स्वस्थ होकर चले गए हैं और अब अपने घर जा रहे हैं। कल हमारे सारवा प्रखंड के ही दो और लोगों की पुष्टि हुई है। वो दोनों इनके ही सेकेंडरी कॉन्टैक्ट के व्यक्ति थे, तो इनको भी हम लोगों ने कल रात में हिमालयता शिफ्ट किया है। वो उनकी स्थिति बिल्कुल स्थिर है, तो हम लोग उनको जल्दी ही रिलीज करेंगे। जैसे कि उनकी अगली दो टेस्टिंग हो जाती है, तबीयत उनकी ठीक है, हम लोग कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहे हैं। मानविता की टीम, हमारे हेल्थ के स्टाफ, यहाँ जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं, सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं, सभी को मेरा साधुवाद। और लोगों से आग्रह है कि कृपया पैनिक नहीं करें, क्योंकि अब टेस्टिंग बढ़ रही है पूरे राज्य में, तो कोरोना के रिपोर्ट जरूर आ रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आज दो लोगों को बिल्कुल हम लोगों ने स्वस्थ करके यहाँ से आज वो गए हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। बस सतर्क रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलें और नेसेसरी प्रिकॉशंस लें, तो हम लोग पैनिक ना करें। और मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपके सहयोग के लिए। आपको बता दें कि झारखंड में अब तक 116 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जिसे देखते हुए सरकार ने लॉकडाउन में किसी भी प्रकार की छूट देने से इनकार कर दिया है। न्यूज़ डेस्क।